तो जब हम सियासी जमातों में जाकर बताते थे कि इलेक्शन का जो बहाव है ये कोई बहुत बड़ी वारदात की निशानदेही करता है, तो चाहे वो मुशायद हुसैन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान हो, शहबाज शरीफ, जमात इस्लामी, ये सब लोग हमें कहते कि नहीं आप रिपोर्टिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी वारदात नहीं होगी, लेकिन इतनी बड़ी वारदात नहीं होगी। और फिर जब ये जमातें एक्सटेंशन की बिल के ऊपर साइन कर रही थी तो हम तो कह रहे थे कि ना करें, तो उन्होंने कहा नहीं आप समझते नहीं है, हालात बड़े नाजुक हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर आपको रिपोर्टिंग से सबक नहीं मिलता, अगर जो हालात आपके सामने बन गए हैं या बन रहे हैं या बन सकते हैं और बनते रहे हैं, अगर आप उससे रहनुमाई हासिल नहीं करते तो फिर तो मीडिया के हाथ बंधे हों। तमाम तर मुश्किल के बावजूद हमने कोशिश की है कि आपके सामने, सिविल सोसाइटी के सामने, सियासतदानों के सामने, जुडिशरी के सामने ये मामला रखे जो डॉक्यूमेंटेड है। यह तोता मैंने की कहानी आपको नहीं बता रही, डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप लिखे पढ़े हालात से जानकारी नहीं देते तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। अब यहां पर बड़ी बात हुई कि हम एक इंकलाब लेके आएंगे, हमने एक इसलाह इस्तेमाल की जब प्रोग्राम बंद होने शुरू हुए कि स्ट्रक्चरल टेक ओवर, यानी निजाम के अंदर सिर्फ जो ढांचा है निजाम का वो मुकम्मल का मुकम्मल टेक ओवर किया जाना। तो जब बरतानवी कॉलोनाइजर जो है वो मिस्र को रूल करते थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप मिस्र को कैसे रूल करते हैं, उन्होंने कहा कि वी डोंट रूल इजिप्ट, वी गवर्न द गवर्नर्स ऑफ इजिप्ट, यानी जो इजिप्ट को चलाने वाले हैं हम उनके ऊपर हमने कब्जा किया हुआ, तो हमें इजिप्ट को चलाने की जरूरत नहीं है। तो जिस स्ट्रक्चर टेक ओवर की बात कर रहे हैं, जिस इंकलाबी जोश के साथ हम इस निजाम को तब्दील करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से सिर्फ दुरुस्त रखिए। पाकिस्तान में इस वक्त काबिज फोर्सेस जो है उनके ऊपर कब्जा हुआ हुआ है। तो जब आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ वो एक या दो इदारे तो नहीं है, इसके अंदर तो ठेकेदार भी मौजूद है, इसके अंदर तो बैंकर्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर तो बिजनेस कम्युनिटी भी मौजूद है, इसके अंदर तो मीडिया मालकान भी मौजूद हैं, जो क्रिकेट की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो इस इंकलाब में आपकी कितनी मदद करेंगे। जो अभी तक आखिर में सिकंदर ज़रीफ़ी ये है कि जो कस्टोडियन है आइन का उसको आइन की फिक्र नहीं है, यानी जुडिशरी, लेकिन जो वर्किंग बीज है यानी लॉयर्स वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर है। जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है मीडिया इंडस्ट्री का यानी मालिक, वो सबसे बड़ा कनाइवर कॉन्स्पिरेटर, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जिस बेचारे को तनख्वाह भी नहीं मिलती वो सबसे बड़ी बात करता है मीडिया के तहफ्फुज़ की, और जो सियासी जमाते हैं जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है माली तौर पर। इतना बड़ा इंकलाब आया पाकिस्तान के अंदर, इतना बड़ा बहरान आया, तबाह हो रहा है मुल्क, हमने बहुत सारी आज प्रोग्नोसिस सुने हैं, किसी सियासी जमात के किसी लीडर छोटा या बड़ा उसके प्रिविलेज में कोई फर्क नहीं है। तो सियासी जमातें जो बेनिफिशियरी है जमहूरियत की वो तो एक्सटेंशन दे रही है, और जो उसका वर्कर है वो जमहूरियत के फिक्र में मारा जा रहा। तो ये सिकंदर ज़रीफ़ी है, लड़का में इसको हमें इस तरह अहाता करना चाहिए, जो इंकलाब की सिमत है वो दुरुस्त रखनी चाहिए और पता होना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट एक नहीं है, स्ट्रक्चरल टेक ओवर है। इसके अंदर मुआशी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर मीडिया के घुसपैठिए भी इन्वॉल्व हैं, जुडिशरी के घुसपैठिए भी इन्वॉल्व हैं, सियासी जमातों में घुसपैठिए भी इन्वॉल्व हैं, एक बहुत बड़ा निजाम बन चुका है। मैं तो कमजोर सा आदमी हूँ, मेरे बस में जो है वो मैं कर सकता हूँ इंफरादी तौर पर, क्योंकि मुझे मैं थोड़ा सा सीनिकल यहाँ पर नोट पर खत्म करना चाहूँगा, मुझे पता है कि जंग आखिर में मैंने खुद ही लड़नी है। हम जब हमें धचका लगता है तो हम एक सेमिनार कर लेते हैं, जब कोई बहुत बड़ा वाकया होता है तो हम इकट्ठे होने की बात करते हैं, लेकिन जो मुसलसल आपकी आजादी सलब हो रही होती है कोई तवज्जो उसके ऊपर नहीं देता, बावजूद इसके कि वो मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड होती है। तो मेरे पास तो एक ही काम है करने का, वो ये कि जो काम हो रहा है उसको मैं डॉक्यूमेंट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इसके अलावा ना मेरा काम है, ना मैं इंकलाबी हूं, ना मैं सुपरमैन हूं, ना स्पाइडरमैन हूं, हमें गोलियां लगती हैं, जख्म के अंदर से खून निकलता है, बंदे मारे जाते हैं, गुम हो जाते हैं,
तो मुझे तो अपने किसी सेमिनार के अंदर कोई तख्ती नहीं लगवानी, मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा रेफरेंस करें, मैं नहीं रेफरेंस करवाना चाहता मालूम के साथ। तो मुझे सहाफी रहने दीजिए, इंकलाबी ना बनाइए, मेरा धंधा है डॉक्यूमेंट करना, एक्सपोज करना, एनालाइज करना, उसकी स्पेस के लिए मेरी स्ट्रगल। और बिल्कुल एक आखिर में इस पर मैं क्लोज करूंगा, मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब मीडिया को बार बार रियासत का चौथा सुतून बताया जाता है। अब ये फलसफियाना पक्ष है जो इतने अरसे से हम पर लागू कर दी गई है, इसका कोई वजूद नहीं है। दुनिया के किसी फलसफे के अंदर मीडिया रियासत का चौथा सुतून नहीं है भाई, नहीं है। ना किसी फिलासफर ने कहा है, एडमंड बर्क ने यह नहीं कहा था, उसने कहा था कि यहां पर तीन स्टेट्स हैं, यानी नोबिलिटी है, क्लर्जी है, कॉमनर्स हैं, और ऊपर साफियों की तरफ इशारा करके कहा था कि ये फोर्थ स्टेट है जो इन तीनों स्टेट्स का इहाता किए हुए है और इनके ऊपर नजर रखे हुए। तो हम रियासत का चौथा सुतून नहीं बनना चाहते और ना ही हम हैं, हम रियासत के तीन सुतूनों की अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं। हमारा इतना ही काम है, करने का मौका मिलेगा तो करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर सेमिनार में शिरकत कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दूंगा अब्दुल मजीद खानजू, प्रेसिडेंट सरायकी पार्टी, नेशनल सरायकी पार्टी।